हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारी साइंस की क्लास है, इसमें जो हम डिस्कशन करेंगे क्लास सेवन्थ में न्यूट्रिशन इन प्लांट। जी हाँ, फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ पर आज हम प्लांट सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी वहाँ पर हमने एनिमल सेल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। आज का जो डिस्कशन रहेगा अपना, वो रहेगा बेसिकली प्लांट सेल पर। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं, हमने देखा था लास्ट क्लास में, सेल से बने होते हैं। कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ सिंगल सेलुलर होते हैं। तो जो प्लांट्स हैं उनमें भी जो है क्या नंबर ऑफ सेल्स क्या रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। तो अब जो हमारा डिस्कशन है प्लांट सेल, तो यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने एनिमल सेल में भी देखा। ये नेम कहां पर थे, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लांट सेल में भी मिलता है अपने को, आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। उसमें भी था अपने एनिमल सेल में भी था, और एज वेल एज ये कहां पर भी मिल रहे हैं अपने को, प्लांट सेल में भी मिल रहे हैं। इन एडिशन टू, अब एक्स्ट्रा क्या है यहां पर वो हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां देखते हैं, इन एडिशन टू दीज देयर आर सेल वॉल। तो एक जो नया नेम आ गया अपने पास वो क्या आ गया अपना, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल्स। ये लार्ज वैक्यूल्स, यानी जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो कहां पर थे, एनिमल सेल में भी थे। तो एक्स्ट्रा क्या है यहां पर, उनको हम फोकस कर लेते हैं। क्या सेल वॉल एक्स्ट्रा आ गई अपने पास, किसमें, प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट इज एक्स्ट्रा, लार्ज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स वहां भी थी पर छोटी थी। यहां पर वैक्यूल्स क्या रहती हैं, बड़ी रहती हैं। साइज क्या रहता है उनका, बड़ा रहता है। आर ऑल्सो प्रेजेंट, तो ये अगर हम यहां पर देखें इसके स्ट्रक्चर में, तो ये सभी हमें मिल जाते हैं। ये वैक्यूल्स कौन सी, कैसी होंगी, बड़ी होंगी कंपेयर देन एनिमल सेल। और एक्स्ट्रा मिलेगा हमें सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखें, ऑल द प्लांट सेल हैव अ थिक सेल वॉल, जितने भी प्लांट सेल हैं उनमें एक थिक सेल वॉल, ये जी हाँ, सेल वॉल कैसी मिलती है, थिक सेल वॉल मिलती है। डायग्राम पर ले आता हूं मैं आपको, ये हमने एक डायग्राम देखे प्लांट सेल का। तो जो सबसे आउटर वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, सबसे बाहर की जो लाइन, ये सेल वॉल, ये स्पेशली इसमें मिलती है ओनली प्लांट सेल। थिक सेल वॉल जो हम यहां देख रहे हैं, ये बाहर, सबसे बाहर जो है ये सेल वॉल है, ठीक है। अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, अब इसके अंदर वाली जो लेयर है, ये एक लाइन और है यहां पर अंदर की तरफ, इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, जो कि अपनी एनिमल सेल में भी क्या थी, प्रेजेंट थी। ये देख पा रहे हैं आप, ये एनिमल सेल में भी क्या थी, प्रेजेंट थी। तो इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये आउटर जो वॉल है, सेल वॉल मजबूत होती है, काफी थिक होती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अंदर वाली लेयर कौन सी आ गई आपकी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर यहां देखें, द सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल, गिव्स फिक्स्ड शेप एंड मेक स्ट्रॉन्ग। तो देखो काम आ गया यहां पर, एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, सेल वॉल के जो है वर्क क्या है, क्या क्या यूज है वहां पर, सेल वॉल प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना। जो भी सेल का मटेरियल है अंदर, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कुछ भी है वहां पर, उन सबको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा उसको एक स्पेशल शेप देती है और एक स्ट्रॉन्ग, हमने देखा है प्लांट सेल क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर देन एनिमल्स। तो एनिमल
प्लांट की जो सेल होती है थोड़ी हार्ड होती है, वो रीजन यही है। क्या रीजन बताएंगे हम यहाँ पर? थिक सेल वॉल होती है, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाएगा, हार्डनेस आ जाती है, थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी। तो थिक सेल वॉल मिलती है किसके चारों तरफ, सेल के चारों तरफ जो है थिक सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल क्या कर रही है, प्रोटेक्ट द सेल, क्या करती है ये, प्रोटेक्ट करती है सेल को। इसके अलावा एक शेप जो आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर है, अलग अलग हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है रेक्टेंगुलर ही हो, डिफरेंट शेप हो सकती है। तो उस शेप के लिए भी जो है सेल वॉल क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है और एक इसको स्ट्रांग बना रही है। तो ये जो है यहाँ पर सेल वॉल के वर्क हमें मिल जा रहे हैं, काम क्या करती है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। अभी बीच बीच में आप क्लोरोप्लास्ट देख पा रहे हैं, ये यहां पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो वास्तव में ये छोटे छोटे ये और भी बना सकते हैं, बहुत होते हैं ये इस तरह से, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये 1 2 3 इस तरह से ये डॉट्स के या जो आप शेप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। इनमें क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करके रखते हैं, क्लोरोफिल। और आप अच्छे से जानते हैं क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है इसकी प्लांट की। तो ये क्या कर पाता है, जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब कर पाता है क्लोरोफिल, और चेंज कर देता है किसको, एनर्जी को, किसमें, केमिकल एनर्जी में, ठीक है ना। तो जो लाइट एनर्जी है वो किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी। ये जो एबिलिटी है वो किसमें होती है, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड इन ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं आपके, ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो है किसकी हेल्प से सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट को, और फूड बना देता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सेल सैक फिल्ड इन लार्ज वैक्यूल, ये सेंटर में आप वैक्यूल देख पा रहे हैं, बड़ी दो शेप इतना बड़ा है वैक्यूल। एनिमल सेल जो कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, अगर वहां आप देखते तो, या लास्ट वीडियो आप देख लेना, वहां पर छोटी बनाई थी हमने। सेल वॉल कैसी थी, स्मॉल थी, सॉरी वैक्यूल कैसी थी, स्मॉल थी। यहां पर जो वैक्यूल होती हैं वो क्या होती है, लार्ज है। तो ये इसकी विशेषता है एक तरह से इसकी, प्लांट सेल की। यहाँ पर वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, सेंटर में है वैक्यूल, कहाँ है देखो, सेंटर में। और इसके बड़े होने के कारण ही जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा साइड में हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है, ये न्यूक्लियस है। जबकि जो हमने एनिमल सेल में देखा था, न्यूक्लियस कहाँ था, इन सेंटर। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में था, क्योंकि वैक्यूल क्या था, ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल छोटी थी वहां पर, ठीक है ना। यहाँ पर वैक्यूल्स क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड में चला जाता है, मेम्ब्रेन के पास में चला जाता है। रीजन है बड़ी वैक्यूल्स किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल छोटी होती है और न्यूक्लियस कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। तो ये वैक्यूल देखो काफी बड़ी है, यहाँ पर वैक्यूल लार्ज। वैक्यूल में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो वैक्यूल के अंदर जो है सेल सैक भरा रहता है, ठीक है ना। तो सेल सैक फिल्ड इन लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल। सेल सैक कई तरह के सब्सटेंस है, वो घुली हुई फॉर्म में, मिक्स सोल्यूबल फॉर्म में क्या है, भरे हुए रहते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होती है सेल को, तो सेल सैक बोलते हैं उसको, इट इज कॉल्ड सेल सैक। तो सेल सैक फिल्ड इन लार्ज वैक्यूल, तो ये इसका वर्क भी एक तरह से हमें मिल गया यहाँ पर एक, ठीक है ना। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका वर्क अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वही है जो एनिमल सेल में हमने किया था। क्या है, पावर हाउस यानी एनर्जी, सेल को जितनी भी एनर्जी मिल रही होती है वो कहाँ से मिलती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया से। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग है, न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल का जो भी फंक्शन हो रहा है, सेल का जो भी वर्क हो रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म जो हमने डिस्कस किया था लास्ट, वही रहेगा,
एक जेली लाइक सब्सटेंस जो रहता है किसके अंदर, सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर, सारा का सारा जेली लाइक जो, ठीक है ना, लिक्विड है वो फिल रहता है, इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये हमारी जो है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर और कुछ जो भी इसमें हमने देखे इसके पार्ट्स थे उनके फंक्शंस की हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो बेसिकली जो जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो आपने एनिमल सेल में, मैंने नोट्स में आपको नोट कराया था, वही यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें आता है, डिफरेंस पूछ लिया जा रहा है, बेसिकली डिफरेंस कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। तो एक टेबल के फॉर्म में मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है डिफरेंस को, बहुत ही इजी गेम है। तो डिफरेंस अगर हम देखें, फर्स्ट सेल वॉल, सेल वॉल के हिसाब से डिफरेंस देखें तो प्लांट सेल के अंदर देखो प्रेजेंट होती है ये सेल वॉल। फर्स्ट क्या है हमारा सेल वॉल, ये देख पा रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट है इसके अंदर प्लांट सेल में, और एब्सेंट रहती है इसके अंदर एनिमल सेल, एनिमल सेल में होती नहीं, एनिमल सेल में एब्सेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, देखो प्रेजेंट है इसके अंदर प्लांट सेल में, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, और ये रीजन है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, पिगमेंट रहता है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से फूड बन पाता है, सिंथेसाइज हो पाता है, प्रोसेस को भी एक नाम दिया था हमने क्या, फोटोसिंथेसिस, जबकि एनिमल में ऐसी कोई एबिलिटी नहीं होती, देखो एब्सेंट, यहां पर लिख दिया हमने एब्सेंट। वैक्यूल के हिसाब से अगर देखें, वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, लार्ज देख पा रहे हैं, लार्ज वैक्यूल सेंटर में ही है और बहुत बड़ी है, वैक्यूल कैसी होती है, लार्ज होती है। अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो प्रेजेंट तो है बट कैसे है, स्मॉल, तो डिफरेंस तो हो ही गया ना। प्लांट सेल में वैक्यूल्स क्या होती है, बड़ी होती है, जबकि जो एनिमल सेल होती है वहां पर वैक्यूल्स क्या होती है, स्मॉल होती है। और न्यूक्लियस की पोजीशन के हिसाब से अगर डिफरेंस देखें, न्यूक्लियस की प्रेजेंट दोनों में ही है बट पोजीशन कहाँ है उसकी, उस हिसाब से अगर डिफरेंस देखें तो न्यूक्लियस नियर द सेल मेम्ब्रेन, ये है देखें आप इसके अंदर अगर हम देखें प्लांट सेल, बिकॉज वैक्यूल बड़ी होगी तो उसने पुश कर दिया न्यूक्लियस को किस तरफ, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो नियर द सेल मेम्ब्रेन कौन, न्यूक्लियस, यानी साइड में होता है, थोड़ा सा साइड में खिसक जाता है, किस में, प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल में लास्ट वीडियो का जो डायग्राम है आप देख पाएंगे उसमें क्या सेंटर है, एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या रहता है, सेंटर में रहता है। तो ये जो है आज हमने डिस्कस किया क्या प्लांट सेल, इसके अलावा डिफरेंस किस किस में, प्लांट एंड एनिमल सेल्स। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में।